हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बटन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, इमेज के साथ, वो सीखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि इमेज को कैसे ऐड करते हैं हमारी किंडर विंडो के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर वही सेम वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे एल डिनोट यहाँ पे लेफ्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए रखा हुआ है। सो इमेज डॉट फोटो लैब, फिर यहाँ पे इसकी लोकेशन दे देनी है, फाइल का नाम, इमेज का नाम, एंड देन यहाँ पे लेबल इनसाइड सेल्फ रूट विंडो इमेज सेल्फ एल फोटो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट दे देने, किस कोऑर्डिनेट पे आप डिलीट करवाना चाहते हो, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सिंपली। सो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देख सकते हो ये इमेज लिया, बट इसका साइज़ बड़ा आ रहा है और ये हमारी मेन इमेज के ऊपर भी आ रही है। सो इसको पहले साइज इसका मिनिमाइज करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली प्लेस के अंदर लिखना है विड्थ एंड हाइट, विड्थ यहाँ पे 500 पिक्सल एंड आप हाइट रख सकते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, आप जैसे सेट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे हाइट रखा है 250। सो इसको रन किया, रन करने के बाद देख सकते हो हमारी इमेज की साइज़ छोटी हो चुकी है, बट ये हमारी मेन इमेज के ऊपर आ रही है। सो इस कोड को मैं यहाँ पे कट करूँगा और हमारी मेन इमेज के ऊपर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि मेन इमेज हमारी इस इमेज से ऊपर रहे, लेफ्ट साइड इमेज से ऊपर रहे। सो प्रोग्राम को रन किया और देख सकते हो परफेक्टली हमारी इमेज अच्छे से सेट हो चुकी है। सो आप चाहे तो इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से, किस कोऑर्डिनेट पे आप रखना चाहते हो। यहाँ पे मैं 260 कर देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। यस, गुड। सो नाउ अब हम बटन बनाने वाले हैं। सो उसके लिए यहाँ पे कमेंट डालूँगा सबसे पहले, क्रिएटिंग बटन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्ले बटन बनाने वाला हूँ, ठीक है, और मैंने वो प्ले बटन रखा हुआ इमेज है मेरे पास, ठीक है, वो सेट करूँगा। तो सिंपली वही वेरिएबल फ़ोटो, आप जो भी नाम रखना चाहो वो रख सकते हैं। मैंने फ़ोटो अंडरस्कोर बीयून रखा हुआ है, फिर इमेज डॉट फोटो इमेज, फिर फाइल, उसका बटन का यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास प्ले बटन है, ठीक है, इसका मैंने रख दिया यहाँ पे नाम। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, अगर आपके पास कोई और इमेज हो तो उसे भी सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देखते हो कि हम पहले यहाँ पे लेबल लिखते थे, ठीक है, ब्लीड कराने के लिए, बट हम अब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बटन। तो सिंपली लेबल की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे बटन, ठीक है, बी कैपिटल होगा इसमें बटन। फिर इनसाइड वही सब कि आप कहाँ ब्लीड करवाना चाहते हो, सेल्फ डॉट रूट विंडो के अंदर कौन सी इमेज, जो हमने सेल्फ डॉट फोटो अंडरस्कोर बी वन दी है, ठीक है। फिर इसका कोऑर्डिनेट सिंपली डॉट प्लेस मेथड से कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। सो इस प्रोग्राम को रन किया, देख सकते हो हमारे पास बटन आ चुका है, पता इसका बॉर्डर आ रहा है और कुछ, इस बॉर्डर को क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो सिंपली आपको लिखना है बटन के अंदर कि बी डी इक्वल्स टू जीरो बॉर्डर, ठीक है, बी डी का शॉर्ट है यहाँ पे बॉर्डर। सो देख सकते हो, और इसका वाइट कलर थोड़ा और डार्क करते हैं हमारी मेन विंडो की जैसे ही। सो यहाँ पे बी जी इक्वल्स टू वाइट, क्या तो देख सकते हो एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ऐसे ही आप कितने बटन ऐड कर सकते हो, तो मेरे पास यहाँ पे प्ले बटन, मैं पॉज और स्टॉप बटन ऐसे ही ऐड करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे चेंज कर दूंगा इसका कमेंट, और यहाँ पे भी वेरिएबल का भी नाम b2 और हमारी सेल्फ डॉट यहाँ पे भी b2, ठीक है। फिर इमेज भी चेंज कर देंगे, मैं दूसरी इमेज रख रहा हूँ यहाँ पे, स्टॉप के लिए था और ये है हमारा पॉज के लिए। आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम करेंगे, क्योंकि अगर हम सेम कोऑर्डिनेट रखेंगे तो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। सो यहाँ पे 85 रखा मैंने, इससे थोड़ा आगे, ऐसे ही स्टॉप बटन के लिए। यहाँ पे परफेक्टली हमारे बटन बन चुके हैं। अब आने वाली वीडियो में इसका फंक्शन भी सीखेंगे कि इनको क्लिक करने पे कुछ इफेक्ट हो हमारे सामने, ठीक है।